गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केसरी नंद त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, खास कर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो जैसे केसरी स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट या अदर और भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, फार्मेसी वगैरह जो भी सब्जेक्ट से जो मार्केटिंग MR वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है। सबसे पहले इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है ड्रेस कोड। मतलब आप एक तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। अगर आप फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनेंगे तो उससे भी काफ़ी पड़ता है जो इंटरव्यू देता है। जैसे एक बार की बात है, मेरा दोस्त है और मेरे साथ गया था, तो उसने बाजुओं में से मोड़ रखा था, तो कंपनी वालों ने कहा कि आप जो है ऐसे क्यों आए, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं शादी से डायरेक्ट आ गए हो। तो उसने कहा कि हाँ डायरेक्ट ही आ गया हूँ। बोले आपका क्या पर्पज़ है, आप क्यों मतलब मार्केटिंग करना चाहते हो? उसने कहा मैं मार्केटिंग भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे भविष्य में मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो मैं बोले कि फिर आप इंटरव्यू देने क्यों आए? बोले बस इंटरव्यू हो रहा था इसलिए आ गया। तो वो क्वेश्चन निगेटिव हो गया, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो ड्रेस कोड का मैम होता है, ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल। और स्पीकिंग में या तो आप इंग्लिश में बात करिए या तो फिर हिंदी से बात करिए, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें मिला के ज़्यादा बोलने लगेंगे तो उससे ये लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, या तो इंग्लिश से बोलिए या हिंदी से। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर कंपनी ने आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मेन चीज़ यही है, आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब आप पॉजिटिव बोलोगे। कंपनी वाला अगर ये बोलता है कि आपको हो सकता है अभी यहाँ भोपाल में काम कर रहे, हो सकता है कि आगे भविष्य में आपको पंजाब जाना पड़ेगा, और आप कहते हैं सर मैं भोपाल कैसे, वहाँ क्या करूँगा सर, तो वहाँ कोई नहीं है मेरा, तो वो निगेटिव आंसर हो जाएगा। निगेटिव आंसर होने के बाद कंपनी आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकती है। तो आपको अगर बोले कि आपको पंजाब जाना पड़ेगा तो वो तो जी सर चले जाएंगे, किसान के भी तो बेटे हैं, चले जाएंगे। बोले अगर हो सकता है दिन भर आपको फावड़ा चलाना पड़े, जी सर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन आंसर आपको क्रॉप से रिलेटेड किए जाएंगे। उससे पहले हमको ये भी पता करना पड़ेगा कंपनी कौन सी है, ऑर्गेनिक है या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स है। तो कंपनी का नाम पता करने के बाद हम उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके बारे में टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरीफॉस है या कोई ह्यूमिक एसिड की कंपनी है, मतलब कि बायोफर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल्स हैं या क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही उसके बारे में स्टडी करना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर क्रॉप से रिलेटेड करते हैं, क्रॉप से रिलेटेड उसमें लगने वाले डिजीजेज इंसेक्ट्स और उसके कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल के लिए आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें लगभग आती हैं, अगर आपको आइडिया है तो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में एक मैं क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आपको जो है उसका टेक्निकल चीज़ें पूछें, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में टेक्निकल चीज़ें नहीं आती थी फ्रेशर को। तो और उसके क्रॉप्स के बॉटनिकल लैब वगैरह पूछते हैं, उसमें लगने वाले जो पानी वगैरह कितना लगाते हैं, इरिगेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो कंपनी का नेम जब पता चल जाता है तो कैसी कंपनी है, उसके टेक्निकल कौन कौन से वस्तु में टेक्निकल हैं उसमें, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस, इमामोक्लिन कंजुगेट, के बाद आपका ग्लाइफोसेट है और कोराजेन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं और उसके क्या यूजेस हैं, ठीक है। और ब्रांड नाम अलग होता है, टेक्निकल सभी अधिकतर कंपनियों में टेक्निकल चीज़ें होती हैं लेकिन ब्रांड नेम सबका अलग होता है। और अक्सर ब्रांड नेम कंपनियाँ वो रखती हैं जो प्रेजेंट में, जैसे कोई मूवी आई है कि जब आई थी सुल्तान, तो पता चले इमामोक्लिन कंजुगेट का जो है उसका नाम रख दिया सुल्तान, बाहुबली आई तो किसी ने बाहुबली रख दिया, ठीक है। और उसका टेक्निकल का उसका यूज़ क्या है, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है, क्लोरोपाइरीफॉस का क्या करते हैं, नीमक वगैरह के यूज़ करते हैं, कार्बेक्लाजमेंट प्रोजेक्ट हो गया, 240 हो गया, और आपका इमामोक्लिन कंजुगेट इंग्लिश मूवी वगैरह के लिए हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टाइम फॉर इंटरव्यू मतलब कि इंटरव्यू के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। जैसे जब हमारा प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम गए थे कुछ 7 कैंडिडेट थे, तो 7 कैंडिडेटों में क्या हुआ, एक कैंडिडेट को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो भूख लगने की वजह से क्या हुआ कि वो जाके जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे मैम वगैरह बगल वाले रूम में उसमें बैठे थे, सर वगैरह सभी लोग,
तो वहाँ जाके पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा बाहर नाश्ता कराता हूँ। तो उन्होंने कह दिया उस टाइम ठीक है जाओ, लेकिन फिर उसके बाद में उसको ज्वाइनिंग टाइम पे उसको मना कर दिया, मतलब इंटरव्यू में उसको बैठने के लिए मना कर दिया, बोले आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और कोई कैंडिडेट आपसे बोल दिया कि सर मैं जो है 2 घंटे से आऊँगा, और आप सोचे कि मैं 2 घंटे बाद आता हूँ और आप किसी काम में फंस गए, ये गाड़ी ही पंचर हो गई, तो उसमें कंपनी का लॉस होगा। ठीक है, तो आपको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा आपको। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है फाउंडेशन फॉर्म। फाउंडेशन फॉर्म क्या होता है कि अगर कंपनी आपको, कोई भी कंपनी है, तो जब वो आपको ज्वाइनिंग कराएंगे उससे पहले एक फॉर्म होता है फाउंडेशन फॉर्म। फाउंडेशन फॉर्म में क्या होता है, उसमें लिखा रहेगा कि आपका नाम ये है और आप हमारी कंपनी में इतने साल तक कार्य करोगे, और अगर 1 साल के अंदर आप कंपनी को छोड़ोगे तो जो हम जुर्माना बोलेंगे उसके बदले में वो आपको देना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी बोलेगा कंपनी। उसके बाद पे करने के बाद ही आप कंपनी छोड़ सकते हो। तो वो होता है फाउंडेशन फॉर्म। तो फाउंडेशन फॉर्म में जो है, अगर वो तो प्रयास ही करें कि फाउंडेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना करके और एक्सेप्ट ना करें और फॉर्म फाउंडेशन में ना भरें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अधिकतर लोगों से 5 लाख 10 लाख मांगा जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रेस कोड, स्पीकिंग, क्वेश्चन, सर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस पर्पज़ के लिए है, और उसके टाइम और इंटरव्यू वगैरह और फाउंडेशन फॉर्म वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। जितना क्वेश्चन पूछा जाए, कंपनी जितना क्वेश्चन पूछती है उतना ही बताना है। जिस एरिए में आपको भेजा जाएगा उस एरिए के बारे में आप नेट पे या कैसे भी सर्च करो उसे, कि उस एरिए में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप्स लग रही है, उसके बारे में, उस क्रॉप्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, धन्यवाद।